प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज ये आपके फंक्शन का एक लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम आपके जो बुक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज है यानी विविध प्रश्न माला है उसके जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आज सॉल्व करेंगे। और बच्चों मेरी तरफ से आपके लिए फंक्शन जो टॉपिक है वो एक प्रकार से कम्प्लीट हो जाएगा। बच्चों इससे फंक्शन से रिलेटेड जो जो बातें आपको करवाने लायक थी वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। भाई जो फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन बनेगा कैसे, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे आपको करवाए जा चुके हैं। हाँ, कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चन जरूर है जो आपको करवाने चाहिए, इसलिए बच्चों आज हम उनको करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या दिया गया बेटा कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, आपके पास कोई फंक्शन है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, कुछ ऐसे, ठीक है, बात समझ आई है बच्चों ने? आपको ये क्वेश्चन दिया है तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपको करना क्या है, एक्स था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, तो जब यहाँ पे 1.1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो बच्चों ये 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 कुछ ऐसा आएगा। 1.1 का स्क्वायर बच्चों आप सब जानते हो कितना होता है, 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, माइनस करोगे 0.21 तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2.1। देख लीजिए कितना सिंपल है, कोई डाउट आया तो बच्चों देखो इसलिए कह रहा था मैं कि फंक्शन टॉपिक कंप्लीट बोलने का रीजन यही है कि जो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग जो बातें हैं वो सारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों, यहीं पे करने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन दिया आपको कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कुछ ऐसा, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 और इसका प्रांत यानी डोमेन क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। बात समझ आई बच्चों, यानी इसका डोमेन इसका प्रांत क्या होगा बच्चों वो आपसे पूछा गया। अब आपको डोमेन और रेंज की यदि याद हो तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मेरे करवाए हुए हैं, और यदि प्रीवियस लेक्चर भी अगर आपको याद हो तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया भी है, किया या नहीं किया। यदि बच्चों आपको जो आपका प्रीवियस लेक्चर है वो याद हो तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया या नहीं किया। तो चलो एक बार रिवाइज कर देता हूँ भी, मैंने डोमेन के लिए आपको क्या कहा था, मैंने कहा था डोमेन में का मतलब होता है भी एक्स की वैल्यू, और हम कौन कौन सी वैल्यू पुट नहीं करते, हम वो वैल्यू पुट नहीं करते जिससे रिजल्ट में इन्फिनिटी या रूट के अंदर नेगेटिव साइन जनरेट हो। तो क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी रूट का साइन दिखाई दे रहा है क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी रूट का साइन दिखाई दे रहा है क्या? आपका जवाब होना चाहिए सर दिखाई नहीं दे रहा है, भाई रूट का साइन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और आगे देखिए इसका मतलब से जो नीचे वाली प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस करें, भी इन्फिनिटी कब बनेगा जब नीचे वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जीरो के, तो मैं ये पता करता हूँ कि नीचे वाली वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होगी और उनको हटा देता हूँ। तो देखो तो जब बच्चों हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर करूँगा कुछ ऐसे होंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 6 एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बच्चों आपके पास दो वैल्यू आएगी, यानी यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जब x इक्वल टू 2 और 6 हम यहाँ पर यूज करेंगे तो डिवाइड में क्या बनेगा जीरो, मतलब हमें इन दोनों को नहीं लेना है। तो जो इसका डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट रियल नंबर से 2 और 6 को हटा दो, कंप्लीट रियल नंबर से 2 और 6 को हटा दो, तो जो रिजल्ट आपके सामने है। अब देखो
क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री मिसलेनियस का कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, आगे बढ़ें फिर बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो फिर। बच्चों आप डोमेन और रेंज का जो कंसेप्ट है वो आप स्पेशली याद रखोगे यहाँ पे। अब जवाब क्यों का क्या होगा भाई? क्योंकि इससे जो मेन क्वेश्चन बनते हैं फंक्शन से रिलेटेड, वो आपके रेंज डोमेन ही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आगे जब हम और एक्स्ट्रा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आगे जब और फलन का जहाँ भी जिक्र होगा वहाँ पे बच्चों रेंज और डोमेन के ऊपर ही घूमेगी बातें, क्योंकि कुछ रूल्स होंगे जो रेंज और डोमेन होगा उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर आपको दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, और पूछा गया है कि इसका रेंज और डोमेन क्या होगा, यानी इसका प्रांत और परिसर क्या होंगे। तो डोमेन और रेंज क्या होंगे वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले बच्चों डोमेन के ऊपर फोकस करते हैं। ये मैंने आपको क्या कहा था, आज ही मैंने ये बोला है, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो भाई। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यूज जो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, और यहाँ कौन कौन सी वैल्यू यूज करते हैं हम पहले ये पता करो भी यूज कौन सी नहीं करते, क्योंकि मेन कंसेप्ट यही होता है कि वैल्यू ऐसे तो बहुत ज़्यादा होगी, कौन कौन से रख के देखें, तो ये पता करते हैं कि कौन सी ना रखें। तो ना रखने के दो बातें मैंने आपको कही है, वो वैल्यू यूज नहीं करनी जहाँ से रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव साइन जनरेट होता है। कौन सी वैल्यू यूज नहीं करनी आपको, जहाँ पर आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव साइन जनरेट होता हो। तो देखो सबसे पहले देखो रूट के अंदर नेगेटिव साइन कब जनरेट होगा, जब x का मान एक से छोटा हो। बस समझ आइए कि जब x का मान एक से छोटा होगा, x इज लेस देन वन, देन रूट के अंदर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। इसका मतलब है x का मान एक से छोटा नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई, एक हो सकता है क्योंकि एक लेने पर जीरो आएगा रूट के अंदर, और जीरो का रूट बच्चों क्या होता है, जीरो ही होता है, यानी जीरो कोई रियल नंबर ही है। लेकिन हाँ एक से छोटी में अगर कोई भी वैल्यू लेता हूँ, नेगेटिव भी लूँगा ना भाई, एक से छोटे का मतलब नेगेटिव वैल्यू वो सारी आ जाती है। ठीक है, यानी एक से छोटा, एक से उधर जाना ही नहीं है नंबर लाइन में आपको। ये जो आपकी नंबर लाइन होती है आपको याद होगा, जीरो वन टू इधर माइनस वन, यानी ये किसका मतलब है, इससे उधर तो जाना ही नहीं है, जाते ही नेगेटिव साइन आ गया। इसके अलावा क्या डिवाइड में जीरो बन सकता है भाई? इन्फिनिटी तो तब बनेगा ना जो डिवाइड में जीरो बने या ऊपर इन्फिनिटी। तो डिवाइड में जीरो, डिवाइड का कोई केस ही नहीं है, तो डिवाइड में जीरो वाली प्रोसेस जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से सीधा फिर डोमेन क्या पता चला हमें, हमें ये पता चला कि जब डोमेन होगा वो वन टू इन्फिनिटी, सॉरी बच्चों क्या होगा, वन टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि मैं वन रखूँगा तो रूट के अंदर जीरो आएगा, फिर और मैं वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा तो रूट के अंदर और वैल्यू प्लस की आती रहेगी। डोमेन समझ आ गया। अब बारी आती है रेंज की। रेंज क्या होती है कि भाई एक्स की वैल्यू रखने पर एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आएगी, वो सब रेंज क्या होती है बच्चों। एक्स की वैल्यू रखने पर एफ एक्स जो आपको प्राप्त होगा वो आपकी क्या बोला जाएगा, रेंज। अब आप ये देखिए, जब मैं एक्स की जगह यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वन रखूँगा तो रूट के अंदर क्या आया, जीरो, रूट के अंदर क्या आया, जीरो। फिर ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, ऐसे आगे बढ़ता जाता हूँ तो रूट के अंदर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा, तो उनका जो रूट भी है बच्चों वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पाँच यूज किया, मैंने फाइव है यदि यहाँ पे यूज किया, तो फाइव माइनस वन यानी पाँच माइनस एक होता है चार, रूट फोर का मान प्लस माइनस टू क्यों नहीं लिया। बच्चों आप रेंज और डोमेन का जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे वहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन को नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, कि एक की दो इमेज नहीं आनी चाहिए, वो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। बस समझ आई या नहीं आई?
मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों को ध्यान से सुनो। कई बच्चों के माइंड में आया कि सर जब आपने यहाँ पे 5 लोगी तो एफ एक्स क्या होगा, 5 - 1 √4 यानी 2। अब आपके हिसाब से यहाँ पे ±2 लगाना चाहिए, है ना? आपके हिसाब से यहाँ पे ±2 लगाना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक जैसा कुछ पढ़ा है 10th क्लास तक वो तो यही पढ़ा है भाई, रूट हटाओगे दोनों साइन आते हैं। तो बच्चों आप खुद सोचो, यदि मैं ±2 लगाऊँ तो 5 की इमेज मेरे पास क्या आ जाएगी, कुछ ऐसी। यदि एक एलिमेंट की 2 इमेज आ जाए, यदि एक एलिमेंट की 2 इमेज आ जाए तो क्या वो फंक्शन रहेगा क्या, पहले ये बताओ। उस कंडीशन में तो वो फंक्शन ही नहीं रहा ना, इस कंडीशन में आपका ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो फंक्शन नहीं रहा तो आप खुश हो सकते हो, 2 इमेज तो नहीं होगी। तो इस वजह से हम सिर्फ एक ही साइन को लेते हैं, ठीक है? याद रखना बच्चों, जब रूट के अंदर वैल्यू पुट करते हो तब दोनों पुट कर लो, ठीक है? एक्स की यदि वैल्यू होती तो वहाँ पे दोनों वैल्यू सम मानी जाती, लेकिन वाई के लिए ऐसा नहीं होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एफ एक्स इक्वल टू, इसके रेंज और डोमेन बताने हैं आपको, पहले डोमेन फिर रेंज। देखिए विद डोमेन, तो बच्चों यदि आपको मोड फंक्शन याद हो, यदि आपको मोड फंक्शन याद हो तो मैंने आपको उसकी उसका जो डोमेन और रेंज क्या बताया। मोड फंक्शन पे एक बार याद करो, दिमाग पे जोर डालो भाई। मैंने आपको पहले ये बताऊँ, मोड फंक्शन समझाया था ना, उसकी रेंज और डोमेन क्या बताई थी। रेंज डोमेन बताया था आर, रेंज आर पॉजिटिव यूनियन 0, ठीक है? तो इसका डोमेन क्या होगा आर, इसकी रेंज हो जाएगी आर पॉजिटिव यूनियन 0। या आप कहोगे सर कैसे, तो बच्चो आप खुद सोचो। देखो मोड के अंदर एक्स माइनस वन है, क्या रूट के रूट का साइन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा। क्या डिवाइड में कुछ दिखाई दे रहा है, तो जवाब होना चाहिए नहीं दे रहा। यानी मैं एक्स की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, तो डोमेन तो इसका आर हो जाएगा। रेंज मोड जनरेट क्या करता है, पॉजिटिव को। भाई मोड है जो किसी का रिजल्टेंट क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है हमारी। यानी मैं अंदर से कुछ भी रखूँ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हाँ, 0 क्यों आएगा, कि 1 रखने पर 1 - 1 0, बाकी सब पॉजिटिव, तो 0 to infinity। कई बार कुछ बच्चे इसे ही आर पॉजिटिव मान लेते हैं, तो बच्चों ये गलत है। आर पॉजिटिव का मतलब ये होता है, 0 आर पॉजिटिव के अंदर शामिल नहीं होता। यदि कोई स्टूडेंट सिर्फ आर पॉजिटिव लिखता है तो बच्चों आपका जॉब 100% गलत है, ठीक है? बात समझ आई या नहीं? यदि क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, लगभग मेरे हिसाब से शायद लास्ट क्वेश्चन ही है जो आपको मेन करवाने लायक है। एक क्वेश्चन नंबर 12 और है, ठीक है? और सुन, 6th क्वेश्चन है कि एफ है, आपको कुछ इस तरीके से दिया गया बच्चों, एक्स कोमा, फिर दिया आपको x² / 1 + x² कुछ ऐसा, यानी रोस्टर फॉर्म दे दिया आपको। और जहाँ ये दे दिया x बिलोंग r, ये तो बहुत अच्छा है, यानी डोमेन दिया हुआ है, डोमेन आपको क्या दे दिया r। इसका रेंज पूछा हमसे, यानी यदि मैं y इक्वल टू 1 / x² मान लूँ तो रेंज। बच्चों इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना माइंड यही लगाइए कि ये ऊपर एक वैल्यू को देखो और नीचे इसे देखो एक बार, आपको दिखाई देगा एक्स का स्केयर। आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स का स्केयर दिखाई दे रहा है। और आप सभी जानते हो स्केयर का मतलब होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी। स्केयर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब ये नहीं हो गया कि पीछे है मैं एक्स की जगह कुछ भी रखूँ रिजल्ट हमेशा क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी कोई ना कोई। इतने बात समझ आ गई। लेकिन अब देखो पॉजिटिव क्वांटिटी में सबसे पहले क्या आएगा, एक्स की जगह 0 रखूँगा तो ऊपर 0 नीचे 1,
यानी जो मेरा रिजल्ट है वो स्टार्ट कहाँ से होगा? जीरो से। बस में जाइए नहीं, जब मैं एक्स की जगह जीरो रखूँ हाँ तो जीरो प्राप्त होगा। हाँ, जीरो के अलावा मैं कुछ भी रखूँ, आपको भी सर माइनस वन रखो या प्लस वन, तो बेटा जब मैं माइनस वन रखूँगा तो जो रिजल्ट होगा वही प्लस वन रखने पर आएगा, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर भी प्लस वन और प्लस वन का स्क्वायर भी प्लस वन। माइनस टू रखूँगा तो भी यहाँ पे फोर और फोर आएगा, प्लस टू रखूँगा तो भी यहाँ पे फोर और फोर आएगा, यानी हमें प्लस माइनस वाले कंसेप्ट पे जाना ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, आप खुद सोचो कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से सदैव बड़ी है या नहीं है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से सदैव बड़ी है या नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ सर, नीचे वाली वैल्यू तो ऊपर वाली से बड़ी है, और जब इस तब डिवाइड करूँगा तो कभी भी वन के इक्वल रिजल्ट नहीं आएगा, यानी वन से सदैव क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर 100 होता है तो ये हो जाएगा 100/101, ये मान लो 1000 होता है कुछ ऐसा, यानी तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 0.9999 के पास चली जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली वन तो तभी आएगा ना दोनों इक्वल हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे क्लियरली ये बोला जा सकता है कि इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 to 1, लेकिन 0 इसके अंदर शामिल होगा, 1 इसके अंदर शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन क्या दिया है कि मान लीजिए एक और ये आपके पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है, और f है a से n में। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, f है a से n में, यानी डोमेन दे दिया, रेंज नेचुरल नंबर का सबसेट होगा या नेचुरल नंबर भी हो सकता है। अब आपको दिया एफ एन इक्वल टू एन, एफ का महत्तम अभाज्य गुणक, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी लिख देता हूँ मैं, GCD, जिसे आप क्या कहते हो बच्चों, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो जब मैं 9 लिखूँगा तो 9 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो कितना होता है, 3, 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5, यानी जिसमें अभाज्य यानी प्राइम, अभाज्य मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर, ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो सर 9 का तो 9 भी होता है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर लेना है ग्रेटेस्ट कॉमन होना चाहिए। 10 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है लेकिन 5, 11 11 से डिवाइड होगा, 13 13 से डिवाइड होगा, 12 है, और वो देखो बच्चों 12 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, लेकिन जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और जो भी प्राइम नंबर हो वो होता है 3, क्यों, 2 तो है लेकिन 4 और 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसकी जो रेंज आई है वो क्या आ जाएगी, 3, 5, 11, 13, ये 3 दोबारा यूज नहीं होगा क्योंकि सेट के अंदर एक एलिमेंट केवल एक बार यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो ये लीजिए बच्चों, आपका जो सेकंड चैप्टर है फंक्शन, वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। हाँ, ये नहीं है कि कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े नहीं है, कुछ क्वेश्चन छोड़े जरूर हैं, लेकिन वो आपके लिए आप स्वयं ट्राई करो, यदि आपसे हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप पूछिए, आपको उनका जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर को फिर यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। अब वो चैप्टर या तो आपका, मेरे हिसाब से P&C लेंगे, ठीक है, चलो फिक्स कर दिया, P&C, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। बच्चों बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, एक बार बस उसको समझने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।